हेलो हेलो हेलो, स्वागत है दोस्त। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से बिजी था, सो आज थोड़ा टाइम मिला है मुझे, जस्ट थोड़ा टाइम के लिए, मतलब शायद 2 घंटे तक मैं कर पाऊंगा ये, देखते हैं क्या होता है। सो आज मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा 10-10 मिनट्स का, क्योंकि मैं बहुत दिनों से 10 मिनट्स के गेम्स को प्रैक्टिस नहीं होते हैं, तो मैं कुछ 10-10 मिनट्स का खेलना चाहूँगा। तो अगर किसी को चैलेंज करना है तो कर सकता है, कि 10 मिनट के गेम्स में मुझे थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, सो मैं ट्राई करूंगा। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। गैंगस्टा चेस, ये किसका आइडिया है भाई? चलो बेस दो, चैलेंज करना है तो चैलेंज बेस दो मुझे। भाई बहुत दिन हो गए, मतलब मैंने लास्ट स्ट्रीम कब किया पता नहीं मुझे, कुछ दिन में बोल के मैंने पिछली बार लास्ट स्ट्रीम कब किया था, अब शायद नोटिफिकेशन भी मिला है कि नहीं पता नहीं किसी कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। ओके सेंड अ चैलेंज। मैं पहले एक खेल लूँ क्या रैंडमली एक प्लेयर के साथ, तो तुम्हारा आईडी मुझे बोल दो, मैं चैलेंज कर देता हूँ। ब्लिज़ नहीं। अच्छा एक ब्लिज़ खेल लो। ओके ब्लिज़ खेल लो, चलो। ओके भेज देना चैलेंज। Okay, चैलेंज भेज दो। चलेगा चलेगा, कुछ भी भेज दो। एक काम करो प्लीज प्लीज ही भेजो पहले। कुछ भी चैलेंज भेज दो। कुछ भी भेज दो भाई। क्या बात है, चैलेंज नहीं आया तुम्हारा अभी तक? ठीक है मैं तब तक एक रैंडम प्लेयर के साथ खेलता हूँ। सेंट भेजा कहाँ भाई, कहाँ भेजा, अभी तक आया ही नहीं। अर्नव ठाकुर 20। ओके भेजता हूँ। मैं भेजता हूँ, मैं भेज देता हूँ तुमको चैलेंज।
10 मिनट्स का भेजेंगे तो 10 मिनट्स का ही भेजता हूँ। चल ओ थैंक यू रोहित। लिल्फी न्यू सब थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। ए जसप्रीत हेलो। ट्रैवल क्वेश्चन सर आए हैं इधर हैं। अच्छा अच्छा भाई तुम छोड़ो भाई उनको वो अपने वो जहां भी है ठीक है। थैंक यू सो मच लिफी सब्सक्राइबिंग सो मच। लाइफ लाइफ ओके सो लाइफ थैंक यू सो मच लाइफ लाइफ सब्सक्राइब। रिक्वेस्ट कहां से भेजें? इस गेम के बाद रिक्वेस्ट भेज देना चैलेंज का। मेरा आईडी तो पता ही जस्ट खड़कपुर टाइप कर सकते हो नहीं तो तुम्हारा आईडी बोल दो मैं रिक्वेस्ट भेज दूँ। तुम ही बोल दो मैं भेज देता हूँ ठीक है। अपना आईडी बता देना मैं रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। अपना आईडी जो है बोल दो मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ। मैंने नहीं सोचा कि आज कोई आएंगे वैसे देखने के लिए क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद स्ट्रीम कर रहा था बट बहुत लोग आ चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जितने भी लोग आए हैं सब लोग प्लीज लाइक कर देना स्ट्रीम को और गेम को चैलेंज करने तो कर सकता है कोई भी मतलब मैं कर दूंगा। अपना अपना आई डी बोल देना सो मैं नेक्स्ट चैलेंज कर रहा हूँ जसप्रीत स्ट्रीम को। अपना आई डी बोल देना मैं चैलेंज भेज देता हूँ नेक्स्ट। और किसी को खेलना है तो अपना आई डी कमेंट कर दे वेरी एग्रेसिव। ओके जसप्रीत मैं भेजता हूँ आपको नेक्स्ट आपको मैं भेजता हूँ चैलेंज। एक म्यूजिक कहाँ से आ रहा है यार मैंने कुछ नंबर में फिट किया था शायद से शिफ्ट में कुछ म्यूजिक था ना प्लस वन में कुछ म्यूजिक था। ओ ये म्यूजिक था कुछ कुछ कीज पे कुछ मैंने म्यूजिक सेट कर दिया था गलती से तो अब उसका फल मुझे भुगतना पड़ रहा है।
हाँ देवदयाल सिंह जी आपसे भी खेलेंगे जरूर नेक्स्ट, इसके बाद मैं जसप्रीत से खेलूंगा, फिर उसके बाद आपसे खेल लूंगा। My ID is DD Sammy. Okay, Sammy ji. Who has greater chance of winning? कुछ भी भेज सकते हैं। उन्होंने 10 minutes का बोला था। So actually मुझे 10 minutes का मुझे practice करना था। क्योंकि जो SO भी होने वाला है वो 10 minutes का होगा। So, इसके लिए मैं 10-10 मिनट्स का प्रैक्टिस कर रहा था, पर ठीक है अगर आप लोग कम टाइम का बोलेंगे तो कम टाइम भी खेल सकते। Both the bishop and queen is quite passive. So, can you explain how this opening works out? एक्चुअली बिशप क्वीन सभी अगर मैं बता दूंगा तो मतलब ओपोनेंट स्मूथ समझ जाएंगे, तो कुछ सीक्रेट्स हैं तो इसलिए मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं सकता, तो आप गेम देख लो आप समझ जाओगे। जसप्रीत अभी इस मूव्स के इन सारे मूव्स को अगर एक्सप्लेन करना मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो मेरे लिए। इसको माना नहीं था कोई ना, ठीक है देखते हैं क्या होता है। मुझे पहले नाइट से नाइट को मार देना चाहिए। ये ओपनिंग खेलता हूँ और लास्ट में इस तरह से एडवांटेज आ ही जाती है इवन टू ऑन सेकंड सरफेस लेवल इस ओपनिंग लुक्स हॉरिबल। अच्छा अभी ये पीस क्यों दे रहा है भाई मुझे, टेक्स करो तो अच्छा सैक्रिफाइस कर दो। बढ़िया है मैं मारता हूं तो चलो मारते हैं इसको, पहले थोड़ा खतरा हो सकता है मतलब बिशप आता है बीच में। अब इसको मारा है मैंने, अब पोस्ट इसको मारना पड़ेगा बिशप से, क्वीन से मार सॉरी पॉन से मारना पड़ा उसको, वो मेरा चेक आ रहा है यहाँ पर। ठीक है देखते हैं क्या होता है, आई थिंक ये चेक आ रहा है, किंग हटेंगे तो रुक मारेगा। इसको मारा इसने, एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं रुक मारता तो मैं अपना नाइट को लेके जाता इधर पर और ये सेकंड मेटिंग का थ्रेट लगाता, मैं प्लान ये था मेरा, तो ये समझ गया मैं जानबूझ के यहाँ पर प्लान था मेरा। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा था। एक्चुअली यहाँ पर ये नाइट का चेक आता तो किंग में हटता, उस समय जो है ये जो नाइट था यहाँ का चेक आ रहा था, रूक अगर लेता तो प्रॉब्लम होता उसको क्योंकि मेरा जो नाइट है नाइट यहाँ पर सॉरी नाइट जो है H5 पर जाता और उसके बाद नाइट F5 पर, फिर मेटिंग का थ्रेट लगता तो
प्रॉब्लम होता है उससे। पॉन बढ़ाते हैं वैसे इसको, चेक आएगा तो किंग हटा लेंगे। ये पॉन मार्केट चेक कर रहे हैं, किंग हटते हैं, जब तक रूक मारने दे, देखते हैं क्या होता है। भाई रूक अगर मारता नहीं तब तो ये हटाकर चेक और मेटिंग का थ्रेट है। एग्रेसिव तो है गेम, तो यहां पर वो रूप को मार नहीं सकता। ऋषभ को मारा, ओके चलो अपन भी बिशप को मारते हैं एक बार, बिशप को मारते हैं। अगर रूप को मारते हैं तो क्या होता है, एक मिनट मारते हैं थोड़ा सा, एक रिस्क लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब वो मारेगा तो मैं किंग लेके उठ जाऊंगा। अब देखते हैं वो मेरा क्या कर रहा है। आई थिंक हम जीत गए गेम शायद, आई थिंक हम गेम जीत चुके हैं ऐसे। शायद जीत चुके हैं। आई थिंक रिजाइन है यहाँ पर व्हाइट का, क्योंकि बहुत ही अटैकिंग थ्रेट्स हैं उसके ऊपर। अभी अगर इसको मारता है तो ये बिशप का चेक, तो बताता हूँ मैं, एक्चुअली बताया था कुछ, अगर मारता है तो बिशप का चेक, बिशप अंदर आएगा और ये रूक से चेक, और किंग हटेगा और क्वीन से मेट। सो ये मैटर, और अगर यहाँ पर बिशप से अगर क्वीन से, अब बस कर दिया मिस्टेक इसने, वही चेक के अब मेट है। उसने वही मिस्टेक किया, मुझे पता था वो रूक मारेगा। अर्नव थोड़ा सा रुक जा, सॉरी अर्नव थोड़ा सा रुक जा, मैं एक और दूसरा से खेलता हूँ, मतलब थैंक यू सो मच। एक गेम किसने खोला था मुझे, नेक्स्ट डीडी सैमी ने, जसप्रीत ने बोला था, जसप्रीत से मैं चैलेंज करता हूँ, थोड़ा रुक जाओ, नेक्स्ट चैलेंज में जसप्रीत को करता हूँ। अच्छा गेम था वैसे ही, मतलब काफी सैक्रिफाइसिंग था। एक मिनट मैं चैलेंज भेजता हूँ, क्या नाम था उसका, जसप्रीत 526 ना, जसप्रीत 526। थैंक यू सो मच अर्नव, थोड़ा बाद में खेल लेते हैं, बाकी लोग सबको सबको चांस देंगे, क्योंकि वो लोग खराब सोचेंगे ना अगर मैं उनको चैलेंज अगर नहीं भेजता हूँ, या फिर खराब सोचेंगे। सभी को बराबर चांस देना चाहिए। जसप्रीत 526, जसप्रीत जी मैं आपको चैलेंज भेज रहा हूँ, क्या खेलना है, 10 मिनट्स या 5 मिनट्स। ओके जसप्रीत ने भेज दिया मुझे, 1375 रेटिंग है। क्या करते हैं, E4 ओपनिंग ही करता हूँ मैं, क्या ये ओपनिंग नहीं खेलूंगा मैं ज्यादा। हे जय जगन्नाथ वापस सिंह, चलो E4 करता हूँ, देखते हैं कैसा होता है।
e4 d6 चलो d4 सेंटर ऑक्यूपाई करते हैं देखते हैं क्या होता है नाइट f6 नाइट c3 डिफेंस c6 किया चलो बिशप निकालते हैं e3 आप ऐसे चैलेंज लेते ही क्यों हो इसकी वजह से मूंछ काटनी पड़ जाए भाई सुनो तुमको किसने ऐसा किसने बोल दिया कि चैलेंज मैंने लिया और मूंछ काटनी पड़ी मुझे एक्चुअली मूंछ को एडजस्ट करते करते कुछ मतलब ऐसा ऐसा बूमर हो गया मेरे साथ क्लास में काटना पड़ा मजबूरी था भाई क्या करें मैं ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाया मतलब मूंछ को वही है पर क्या ना मूंछ को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है आसान नहीं होता भाई 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 ये तो कंप्लीटली अटैक कर रहा है मेरे ऊपर मार दे क्या इसको पहले नाइट को निकालते हैं बाहर सारे पीसेस को बाहर निकालते हैं ने क्यूट इंसानों से क्या क्यूट भाई अपनी बेवकूफियां बताना क्यूट ना से तो क्या है नाइट आ सकता है क्या बढ़िया अच्छा एक अच्छा सैक्रिफाइस है ना क्या पर पहले नाइट को भगाना पड़ेगा मुझे देखते हैं एक बार बनियान में बैठे हो अच्छा हेलो 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 मोमोस मोमिना बनियान में बैठे अच्छा तुमको पता है मतलब मेरे घर में ना मैं काफी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर मतलब काफी गर्मी है क्या करें भाई ये रियलिटी है ना मैं शर्ट पैंट पहन के तो घर में नहीं बैठ सकता ना इतनी गर्मी में तो मैं एक क्या बोलता हूँ इसको एक शैंडो गंजी है देखो ये गंजी है हालात ऐसे हैं क्या कर सकते हैं हमारे घर में एयर कंडीशन तो नहीं है इससे हम चेसबोर्ड को थोड़ा ओके कर सकता हूँ ऊपर से स्ट्रीम में ही फैन भी ऑफ करना होता है ताकि साउंड ना हाँ ये तो है चलो मैं ऑफ कर दे रहा हूँ वैसे मेरा नॉर्मल सा एक्चुअली कूलर चल रहा है पास में तो उसका शायद साउंड आ सकता है
सो मुझे पता नहीं कि साउंड कैसा आ रहा है, एक सेकंड में साउंड जरा चेक करती हूँ कैसा साउंड आ रहा है। हाँ साउंड तो सही है, साउंड सही है, तब ठीक है। मैं कूलर चला सकता हूँ, मुझे लगे कूलर का साउंड आएगा, तब ठीक है। तो बिशप यहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं, ये फिलहाल इसको मारेगा क्या? मार तो नहीं सकता इसको, पहले नाइट को किक करें एक बार, देखते हैं नाइट जाता कहीं, कहीं पर भी जाए। यहाँ पर एक ट्रिक है, फिलहाल नाइट पर अटैक है, देखते हैं क्या करता है। मुझे लगा कि यहाँ पर मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, बट लेकिन ये बिशप है, ये बिशप नहीं होता तो ज्यादा बेटर होता है। बस इस नाइट्स के पास ज्यादा कुछ स्क्वायर्स नहीं है, यहाँ पर जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। हे पुष्कर गुप्ता, हेलो हेलो हेलो, सर क्या हाल है? वही हड्डी और वही खाल है। हे अनिरुद्ध, हेलो हेलो, कैसे? अच्छा यहाँ पर कुछ सैक आ सकते हैं, बट ये बिशप नहीं होता तो मस्त सैक हो जाता। मैंने मतलब क्वीन का सैक्रिफाइस, क्वीन से मारेंगे, किंग से रूक से क्वीन से मारेगा। ऐसा कुछ सोचा था हमने, पर ये बिशप लगाए तो नाइट से अगर मारेगा तो मार सकता है। वैसे क्या करें, चलो अपनी इस नाइट को हटाते हैं यहां से, इस नाइट को हटाते हैं क्योंकि नाइट यहां पर कुछ खास काम नहीं कर रहा। इस नाइट को यहां लेके जाते हैं, ये एक्सचेंज भी कर लेने से चलेगा। हे श्रीतु पटेल, हेलो हेलो हेलो, बिशप को कहीं पर डाइवर्ट करना है मुझे, बट नहीं हो पा रहा है। ये बिशप हिलता है ना तो क्या ही मस्त सैक्रिफाइस है, मतलब क्वीन से नाइट को मारा, रूक, फिर क्वीन से मारता, फिर रूक से मारता, फिर किंग से मारता, फिर नाइट के चेक में कोटता। अभी शायद नाइट से नाइट को मार देगा वो, मुझे लगता है, या पॉन भी पुश कर सकता है नाइट को प्रोटेक्शन के लिए। नहीं मारे तो ही बेहतर है, पॉन भी पुश कर सकता है। टाइम पे ध्यान देना, टाइम पे 10-10 मिनट्स का है तो मैं आराम से, 10-10 मिनट्स बहुत टाइम है, 3 मिनट्स का तो वो टाइम का थोड़ा ये आता है, इशू आता है। 10-10 मिनट्स में उतना टाइम का प्रेशर नहीं आएगा, शायद नाइट का ये नहीं देना चाहता है, या फिर नाइट को कहीं लाना चाहता है। पर ठीक है, पहले क्वीन ले, नाइट लेके जाते हैं ऊपर। मैं क्वीन से इसको मार सकता था ना पहले, ठीक है फिलहाल ये चेक ही कर रहा है। वैसे अभी ब्लैक के पास भी एक अच्छी मूव है, बट देखते हैं वो चलता है कि नहीं, बहुत अच्छी मूव है, पता नहीं शायद चलेंगे कि नहीं।
ये बिशप से इसको पॉन को मारेंगे क्या, मजा आ जाएगा लिटरली। अभी फिलहाल थ्रेड भी है उसके ऊपर, काफी देर सोच रहे हैं। बढ़िया भाई, मैं बोल रहा था ये मिस्टेक था, नहीं मानना था ना। और ये फोर्क नाइट डी3, हाँ नाइट डी3 का एक आइडिया है, करेक्ट। नाइट डी3 ब्लेंडर में ही है वैसे, नाइट डी3 चेक देता। मैं क्या करता यहाँ पर, किंग मूव कर सकता, करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं पॉन से टेक करता ना तो क्वीन से बिशप टेक होता था। अगर अगर मैं नाइट डी3 मूव था उसके पास, उसको शायद खेलना चाहिए था वो मूव। यहाँ पर जो है पॉन को नहीं मार के, मुझे लगता है नाइट का ये मूव खेलना था, ये मूव उतना बुरा नहीं था। ठीक है, मुझे किंग बी1 फोर्स मूव है इसके जगह। अगर मैं अगर यहाँ पर पॉन से मारता तो मुझे मेरे ऊपर थोड़ा सा अटैक आता उसका, फिर भी ठीक है मैं संभाल लेता। यहाँ पर मुझे क्वीन C2 वगैरह खेलना पड़ता। ये सब मूव्स मुझे अपने गेम में क्यों नहीं देखते। ठीक है कोई बात नहीं, तुमने अच्छा खेला जसप्रीत, गेम अच्छा खेला। 1300 रेटिंग होने से क्या हुआ, मतलब गेम तो सही खेला। वो एक ब्लंडर था तुम्हारा, अगर वो नहीं होता तो गेम ठीक ठाक होता है। नाइट का ये मूव शायद देना चाहिए था तुमको, शायद कुछ प्रॉब्लम होता मेरे ऊपर। ओके नेक्स्ट गेम तो मैं भेजता हूँ। किसका था एक, किसने बोला था मुझे, देवी दयाल सिंह जी आप है क्या, डीडी सैमी कुछ नाम है उनका आईडी, डीडी सैमी। तो मैं देखता हूं वो डीडी सैमी, दीनदयाल शर्मा। ओके मैं चैलेंज भेजता हूँ आपका 10 minutes का। ओके शर्मा जी अगर आप हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए। सैमी डीडी सारमी है शायद, सैमी नहीं है। ने मुझे भेजा था आईडी उनका, सैमी नहीं है, डीडी सैमी है। ओके ओके 5 minutes का वो खेलना चाहते हैं। अरे शायद ओके मैं काट देता हूँ, 5 minutes का भेजता हूँ। C4 वही ओपनिंग खेलता हूँ, C6 वाला क्योंकि ब्लैक में इसके अगेंस्ट में मुझे बस। भाई तुम लाइक कर दो स्ट्रीम को जो भी आया, 3 लाइक हुआ भाई, प्लीज लाइक कर देना जो भी आया। अरे E6 हो गया, मुझे E5 खेलना था। एक मूव मैंने वेस्ट कर दिया, एक मूव मैंने बर्बाद कर दिया। रेटिंग है इनका। ओके ओके मोमिन आप भेज दो, आपके साथ खेल दूंगा।
सो यहाँ पर मुझे एक्सचेंज मिल रहा है, एक्सचेंज अप होने का मौका, क्योंकि ये डायगनल वीकनेस है तो इसका फ़ायदा मिलता है। मतलब हमेशा ही मुझे इस ओपनिंग में डायगनल वीकनेस का फ़ायदा मिल जाता है। नाइट G5 पे आते हैं तो नाइट पर अटैक करते हैं और ये एक्सचेंज अप, सो एडवांटेज मिल चुका है यहाँ पर। हेलो, हाँ ठीक है यार, इस पे ही फोन है, मना किया मत करो फोन, ये लाइन स्टडी कर रही हूँ। ओके फिलहाल इस नाइट को मैं हटा नहीं सकता, एक काम करते हैं बिशप एक्सचेंज करते हैं, देखते हैं क्या होता है, एक पॉन देते हैं कम से कम, जहां इतना एडवांटेज मिला है थोड़ा तो देना ही पड़ेगा ना, तो सब कुछ हम अपने पास रख नहीं सकते, कुछ देना ही पड़ता है। एक पॉन मिल रहा है तो स्लाइट एडवांटेज रहेगा, के बढ़िया नाइट आ सकता है फिर वापस। फिर नाइट वापस, और यहाँ पर एक सैक्रिफाइस कर सकते हैं, फिलहाल थ्रेटनिंग है यहाँ पर मीटिंग का। अब ये विन आ चुका है यहाँ से, अब अनस्टॉपेबल है ये विन, अब ये रिजाइन है वाइट के लिए यहाँ से, और ये डबल चेक मेट है, क्या ही मस्त मिंचर था ये, वो उन्होंने रेटेड रेटेड भेजा था, मुझे लगा अनरेटेड भेजा हुआ। एक मिनट, ओके थैंक यू सो मच, नेक्स्ट गेम रुको इसके साथ ना। अच्छा मोमी ने तुम्हारे साथ एक खेल, क्या नाम है, मोमी कुनो, मोमी कुनो आईडी है ना, मोमी कुनो, कोई बात नहीं बताया, मेरा इंग्लिश ऐसे ही टाइप कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। चैलेंज 10 मिनट्स का, ओके हे जस्ट फॉर फन भेज दिया है चैलेंज, चैलेंज भेज दिया है, अच्छा तुमने भेजा है क्या, 10 मिनट्स का, रुको रुको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, E5 भी खेलते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे। E4, E4, Knight F3, Knight C6, जो तुम्हारा प्रीपेड लाइन है शायद ये लाइन, तो तुम्हारे साथ बहुत लोगों ने खेला होगा, तो मैं वही लाइन खेलता हूँ। ओके चलो थोड़ा कॉपी करता हूँ तुम्हारे मूव्स का, बढ़िया ताकि इस नाइट को पिन ना कर सके। सही, ये कंप्लीटली थियोरेटिकल खेल रहे हैं आप, अब शायद कैसल करोगे आई थिंक, या फिर H3 वगैरह का बिशप का मूव ये भी हो सकता है। ओके बिशप D7, D6,
ओके एच थ्री सही बिशप डी सेवन बढ़िया चलो थोड़ा एंड गेम में खेल लेते हैं ये ब्लेंडर है एक पॉन फ्री का फ्री पॉन दिया वैसे व्हाइट की कैसलिंग इनएक्यूरेसी है मनीष ग्रीन ने बोला था कैसल मतलब कैसल तो वैसे यहाँ व्हाइट की कैसलिंग इनएक्यूरेसी हाँ इनएक्यूरेसी छोड़ा ना हो तो बहुत लोग ही खेलते हैं इनएक्यूरेसी तो किसी का भी आ सकता है दो दो पॉइंट मिल गए ऐसे एक और पॉइंट मिलेगा आई थिंक यहाँ पर मुझे क्या पॉइंट लेना सही होगा क्या कौन मानना और गलत हो सकता है फिर मेरा चलो हटा मारते नहीं उसको मैंने सोचा कि मारू इस पॉन को कुछ वैसे कुछ नहीं हो रहा था खास यहाँ से अटैक करता अगर बिशप से तो रूक आता फिर मैं इसको कैप्चर करता चलो यहाँ लगाते हैं एक्चुअली क्या है ना कैसल जो होता है ना अगर क्वीन ना रहे तो कैसल करना उतना कोई जरूरी नहीं होता है मतलब तो मेरे ख्याल से क्योंकि है कि जैसे जैसे गेम जो एंड गेम आता है ना तो हमारे किंग को सेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी है किंग जहां जितना पीछे रहता है तो उतना मुश्किल होता है तो बेटर है कि किंग जितना सेंटर पर रहे उतना फायदा है इसमें तो जैसे जैसे अगर एंड गेम अगर मार्केट अगर क्वीन ना रहे बोर्ड पर तो बेटर है कि आप कैसल मत करो कोई जरूरत नहीं ये काफी अच्छी मूवी अगर मैं टेक करता हूं तो बिशप से टेक करेगा सो मैं टेक करता ही नहीं हूं यहां पर मैं कौन पुश करते हैं कोई जरूरत नहीं टेक करने से कर लेंगे ओ कौन पुश कर दिया बढ़िया ये तो अच्छे ही हुआ मेरे चलो भाई अब इसको लड़ लो अब यहाँ पर पास कौन से सो प्लस टू है ये पोजिशन यहाँ से हम लोग इजीली खेल सकते हैं ये रूक मेरा काम नहीं कर रहा इसको बस मार्केट पे लाना है सो दो दो पॉन है यहाँ पर हाँ कैसिंग अच्छा हो जाए ओपनिंग था अच्छा एक बार रूप को लाए क्या एक पॉन दे करके लेके मतलब जरूरत नहीं है दौड़ वैसे इतनी अच्छी एडवांटेज है तो यहाँ पर फिलहाल जरूरत नहीं बनती किंग आने में टाइम लगेगा उसका
उसको मारना नहीं था ये पॉन को, एक्चुअली स्पॉन से स्पॉन को नहीं मारना था। अब ये पॉन बेकार हो गए, अब मेरा किंग जा सकता है आराम से ऊपर, नहीं बेफिक्र होकर। रहने दो उसको, यहाँ पर लगाते हैं, डिस्कवर अटैक रहेगा। चानीश गिरी का आइडिया बहुत काम आया है। सो ये पॉन भी मिल गए, तो तीन कनेक्टेड पॉन्स रहेंगे मेरे पास, ये बहुत आसान है। तीन तीन कनेक्टेड पास पॉन्स रहेंगे, सो ये बहुत इजी है एंड गेम के। चेक देते हैं और एक और पॉन मिल जाएगा फ्री का, फिर एक और पॉन फ्री का मिलेगा। So, ये ह्यूज एडवांटेज है यहाँ से। अब एक हाथ पॉन लेके पॉन दे दे क्या इनएक्यूरेसी है, जरा सा खेल लेते हैं, एक हाथ पॉन दे देते हैं यहाँ पर, एक पॉन देते हैं मतलब, देखते हैं क्या होता है। इसे फिर भी एक पास पॉन रहेगा हमारे पास, चलो किंग लेके चलते हैं। उसने सीबीआई की स्ट्रीम पे इटालियन सिखाया था। अच्छा सो ये पॉन पुश करते हैं आप यहाँ से, फोर्स है यहाँ पर मतलब, सारे फोर्स मुझसे पीछे जाना पड़ेगा, कंप्लीटली रूप को आना पड़ेगा पीछे। किंग गया, किंग गया, और ये अभी मिल गए। ये चेजटकों वालों ने लाइव चेस हटा लिया क्या? हाँ मुझे लग रहा है अब लाइव चेस नहीं दिख रहा है, पहले ऐसा लाइव चेस दिखता था, वैसा अब लाइव चेस नहीं दिखता है। ओके तो मेरा टाइम हो चुका है, और बचा 30 मिनट्स और बचे हैं। ओके भैया अच्छा खेला मोमिना तुमने, मतलब गेम तो सही खेला, बट क्या कुछ एक्सचेंजेस थोड़ा गलत खेला किया, मतलब मैं दिखाता हूँ मिस्टेक्स जो शुरुआत से थे तुम्हारे। यहाँ तक तो सही था, यहाँ पर थोड़ा सा इनएक्यूरेसी मतलब तुम्हारा जो पॉन स्ट्रक्चर था थोड़ा सा बिगाड़ा मैंने, पर ठीक है चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग जैसे हटा मेरा, अब यहाँ पर तुमने कैसल किया, कैसल यहाँ पर नहीं करना चाहिए था तुमको। सबसे पहला बात है कि यहाँ पर कैसल का कोई जरूरत नहीं बनता, क्योंकि ना मतलब एक तो क्वीन नहीं है तो चेकमेट तो होगा नहीं, तुम्हारा किंग सेंटर पर जितना रहे उतना बेहतर है, ये मतलब किंग जो है सेंटर की तरफ जल्दी आ सके। तो जिसका एक थ्योरी है कि अगर एंड गेम अगर तुम्हारा हो रहा है तो किंग को सेंट्रलाइज करना है, तो ये गेम जो है पक्का एंड गेम में पहुंचेगा, तो तुम्हारा किंग को सेंटर की तरफ जितना जल्दी हो सके आराम से रहे तो बेटर है, तो किंग को अंदर कर लेना नहीं है, कैसल यहाँ पर जरूरत नहीं था। किंग डी टू सबसे मस्त, किंग ई टू बेस्ट मूव था यहाँ पर। किंग ई टू में क्या हो रहा था, तुम्हारा ये पॉन भी प्रोटेक्शन होता, पॉन भी सेफ रहता, किंग ई टू चलता, कैसल जरूरत नहीं था यहाँ पर, कैसल तो एक तरह से ब्लंडर था। मैंने यहाँ पर G5 पहले कर दिया था, ऐसे मुझे पहले पॉन भी मार सकता था, ऐसे पॉन्स भी मैं पहले मार सकता था। एक फ्री का पॉन मारा, उसके बाद फिर किंग हटा, एक और पॉन मतलब, तो दो लगातार मूव्स में जो मैंने दो पॉन मार दिए थे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ कैसल का पता नहीं रहता मुझे,
नहीं कैसल का तो सोचना है ना, हम लोग को इमेजिनेशन करना पड़ता है कि कैसल होने के बाद हमारा हम लोग का पॉन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, किंग का पोजीशन क्या रहेगा। तो एक में वो तो देख ही सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं था, छोटा सा ही कैलकुलेशन था, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं था वहां पर। ठीक है अच्छा खेला। एक मिनट में रैंडम प्लेयर, एक प्लेयर रैंडम प्लेयर से 10 मिनट्स का कुछ भी। हाँ अभी लाइव चेस, लाइव चेस जो है वो नहीं दिख रहा है, वो आई थिंक प्रियांश पहले जैसे दिखता था अब वो नहीं दिख रहा है। I thought this was IIT Kharagpur chess. अच्छा मजा आया, तो बढ़िया, थैंक यू। अगर आपको मजा आया तो अच्छी बात है। चलो तो मैं e4 ही खेलता हूँ एक गेम, देखते हैं यहाँ पर। e4 c5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट f3, e6 किया भाई। ये वेरिएशन ना मुझे नाइट ड्रॉप वगैरह खेलता ना तो मुझे थोड़ा बेटर लगता है। e6 वगैरह ये पिन वेरिएशन बहुत मुझे थोड़ा खराब लगता है, बहुत खराब लगता है ये वेरिएशन। हटते हैं भाई, इसने पहले से ही लॉन्ग कैसल को तोड़ने का प्लान कर दिया। अब मुझे शॉर्ट कैसल ही करना पड़ेगा। पहले सोचा कि मैं लॉन्ग कैसल करूंगा, अब शॉर्ट कैसल करना। तो इस पॉन को बढ़ाते हैं, रेटिंग इसमें देखते हैं क्या होता है। स्पॉन को बढ़ाता हूं, मार देने से मजा आएगा, बट मारता नहीं है लोग, प्रॉब्लम यही है। अब मारा, पहले नाइट रहते हुए मारने से मजा आता है, मजा ही अलग होता, वो टेस्ट ही अलग होता। रुक से मारते हैं, रूफ डबल करते हैं यहाँ पर इस फाइल में। तो सिसिलियन के अगेंस्ट में मुझे अभी खेलना सीखना है, जब मैं बिगिनर था तो ऐसे ही करके एलिफेंट सीख लिया, पता चला चल रहा है कि मैं लाइन जरूरी है, पूरा सिसिलियन सीखना पड़ेगा। हाँ वो तो है, प्लस जस्ट गेमिंग हेलो। नहीं तुमको मेन लाइन तो सीखना जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेन लाइन सीखना। इसको इसने इस पर अटैक किया है वैसे, पहले इसको मारते हैं। यहाँ पर सैक्रिफाइस कर देते हैं इसको, दिल करता है करने के लिए मारते हैं यार। एक लग रहा है कुछ अच्छा मूव, नेक्स्ट थ्रेट ये है, क्वीन भी जा रहा है इधर। अरे रे 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 रे, सोचा था मैं, सोचा था पहले। चलो कोई ना, यार छे के देखे मेरा नाइट को ही मार दिया, इसके पीछे मैं इतना कुछ प्लान किया नाइट को लेकर। इसलिए नाइट ऑफ वेरिएशन जो है ना, मतलब वो मुझे पूरा प्रैक्टिस है, मतलब उसमें मेरा मिस्टेक्स नहीं होगा जल्दी। बाकी वेरिएशंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे मतलब पिन वेरिएशंस वगैरह मैं ठीक से नहीं खेल पाता, हैंडल कर नहीं पाता।
रुक ला तो रुक ला ही नहीं सकता मैं यहाँ पर। क्वीन आकर प्रोटेक्शन देगा क्या इस क्वीन से? देखते पहले क्वीन लेके जाते हैं। स्नैड्रॉफ मैं ब्लैक से खेलता हूँ तो वो भी मुझे भी आता है। बढ़िया, अगर तुमको ब्लैक से आता है तो अच्छी बात है। ये शायद विन होना चाहिए मुझे लगता है। क्वीन से चेक दिया जाए तो कैसा रहेगा? वैसे एक क्वीन अभी एक्सचेंज करना चाहेगा। अभी पहले चेक देते हैं, चेक देके रूट को हटाते हैं। चेक देते हैं क्वीन को लेके जरा। नेक्स्ट कुछ ट्रेड्स वगैरह लगा सकते हैं इसके ऊपर। साहिल टिक्कू को छोड़कर और किसी को भी, साहिल टिक्कू ट्रैकर को छोड़कर और किसी को भी सिखाता है? फिलहाल रूक लेके आए, अभी हम यहाँ रूक रख सकते हैं। क्वीन कहाँ जाएगा वैसे? ये सही है, ये शायद मार देगा मुझे लगता है। दो पीस मिल रहा है, अभी हटाएगा तो पीछे रूक कट रहा है। ये उसने ब्लंडर किया है, पता नहीं क्या किया इसने। ये इसने ब्लंडर किया, ये मेरा भी क्वीन पकड़ा है। चेक देंगे तो फिर रूक आएगा। किंग पे चेक पड़ने से किंग कहां जा रहा है? किंग को और एक बार चेक दे तो क्या करेगा? बीच में यहां तो आने सकता भाई, क्वीन देना पड़ेगा उसको। मस्त मूव निकला है हाथ में। फोर्स मूव है अब इसका, ये ब्लंडर हो चुका है। मारकर चेक आएगा, फिर मैं किंग क्वीन हटा लूंगा वहां से। अब ये गेम हार तो नहीं रहे हम यहां से, अब इस गेम को हार तो नहीं रहे हम यहां से। अब पॉन वॉन मारते हैं यार, अब क्या करेंगे? पॉन वॉन मारते हैं उसको, मारने देते हैं, मारेगा। तो जीत गए गेम, किंग ऊपर। रूक डबल किया,
क्या करेगा ये? कुछ नहीं करेगा, हम इस पॉन को ही मारते हैं। हेलो कैप्टन एपीए, कैसे हो भाई? कैसे हो? रिजाइन कर दिया उसने, बढ़िया। 1800 हो गया अपना टाइम, कितना हो गया ऐसे? 44 हो चुका है, तो हमारा स्ट्रीम बंद करने का समय हो चुका है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस। जितने भी लोग हैं प्लीज लाइक कर देना स्ट्रीम को, जितने भी लोग हैं, कोई नया आया तो प्लीज सब्सक्राइब सब कर लो भाई, बहुत दिनों के बाद हमने स्ट्रीम किया है। थैंक यू सो मच कैप्टन एपीए, थैंक यू सो मच आने के लिए। हम जा रहे हैं, टाइम हो चुका है हमारा क्लास का, तो मिलते हैं फिर, अगर टाइम मिला तो फिर हम फिर कभी कुछ स्ट्रीम कर लेंगे इस तरह। थैंक यू सो मच, आते रहना आप लोग, अगर कुछ सीखना होना है तो बता देना, कोई भी लाइन अगर कुछ सीखना है तो मुझे मैसेज कर दो, मैं जरूर ट्राई करूंगा हेल्प करने का। हे आकाश अग्रवाल, हेलो हेलो हेलो, बाय बाय बाय, स्ट्रीम एंड करते हैं, थैंक यू सो मच। हाँ 2018 तो बना लेंगे भाई, 2000 आराम से कर, रैपिड में 2000 करना उतना मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, राइट? रैपिड में आराम से खेल सकते हैं, टाइम का तो प्रेशर रहता नहीं है वैसे। थैंक यू सो मच जितने भी लोग आए हैं, आकाश अग्रवाल, मोमिना, जस्ट फॉर फन, श्रियांश, सभी को जितने भी लोग आए हैं।